मैं रवि जामदा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और ये जो सेशन होगा इसमें मैं ई कॉमर्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, और अभी हम ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपसे जो है वो मिस ना हो, और सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग गूगल मीट की क्लास का सहारा ले सकते हो जो मेरे द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। मेरी आवाज़ वगैरह सब ठीक है ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को पता होगा। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलेगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग BCOS 184 यानी ई कॉमर्स। देखो जो ई कॉमर्स का सब्जेक्ट है हमारा ये थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर जैसा है ना, जैसा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें आपके सिमिलर हैं जो इसमें मिलती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो डिफरेंट हैं, तो हम सभी चीज़ों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो, ऐसी मैं उम्मीद करूँगा, ठीक है। ऐसी मेरी पूरी तैयारी रहेगी कि मैं कुछ भी छूट नहीं आ पाए। चलिएगा। तो देखो इसमें भी वही हमारे 5 ब्लॉक्स हैं और उन्हीं 5 ब्लॉक में से मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नोट करवा रहा हूँ, तो नोट करना मेरे साथ शुरू करेंगे आप लोग। मेरा पहला क्वेश्चन है What is e-commerce and discuss its application in our life? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैंने क्या पूछा है। What is e-commerce? Discuss its application in our life. E-commerce क्या है और e-commerce की हमारी life में क्या application है, ये आपका क्वेश्चन है अभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ई कॉमर्स मॉडल इन डिटेल। जो ई कॉमर्स मॉडल है वो डिटेल में एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन e-commerce model in detail. Next question, elaborate advantages and disadvantages of e-commerce. E-commerce की फायदे और नुकसान आपने elaborate करने हैं, explain करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और योर थीम, डिफरेंस बिटवीन ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के अंदर एक्सप्लेन आपने करना है। हाउ विल ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफरेंट टू ई कॉमर्स, कि जो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो ई कॉमर्स से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। एक्सप्लेन वेरियस टूल्स
एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में कौन सी टेक्निक और टूल यूज होते हैं ये आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगला टॉपिक नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पेमेंट मेथड। आल्सो एक्सप्लेन टूल्स ऑफ मॉडर्न पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट, जैसा भी आपको सही लगे। ट्रेडिशनल यानी परंपरागत और जो आधुनिक भुगतान की विधियां हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, और जो मॉडर्न पेमेंट है उसके टूल क्या होंगे ये आपने बताना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई बैंकिंग एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में ई बैंकिंग की क्या खास जरूरत है यह आपने बताना है। शॉर्ट नोट ऑन RTGS, NEFT, IMAP, Google Pay, ठीक है, UPI, इस तरह की चीजें, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अभी शॉर्ट नोट आपसे पूछेंगे। एक्सप्लेन वेरियस पेमेंट सॉफ्टवेयर यूज्ड इन बिजनेस। व्यवसाय के जो भुगतान वाले सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से हैं जिनसे हम पेमेंट करते हैं, वो कौन कौन से हैं आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, हाउ ए वेबसाइट इज मेड, एक्सप्लेन द स्टेप्स। वेबसाइट कैसे बनती है और इसके क्या स्टेप्स होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय वेब होस्टिंग, डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड पेड होस्टिंग। जो फ्री होस्टिंग है जो पेमेंट वाली होस्टिंग है दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज होते हैं उनके नाम आपने बता दिए, ठीक है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट रिटेलिंग एंड ई टेलिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है।
व्हाट आर सिक्योरिटी थ्रेट्स? एक्सप्लेन वेरियस टूल्स, कौन कौन से हमारे सिक्योरिटी थ्रेट है वो बताने हैं। एक्सप्लेन द मेजर्स एंड स्टेप इनिशिएटेड अंडर IDF, जो IDF है उसमें क्या क्या मेजर है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। Why do we need साइबर सिक्योरिटी? एक्सप्लेन IDF 2000, साइबर सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने आईटी एक्ट को बताना है कि जो आईटी एक्ट है वो क्या है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस ई सर्विसेज यूज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में जो ई सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ए वेबसाइट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करोगे कि वेबसाइट पे अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना हो तो वो कैसे होगा। ठीक है, इलाबोरेट द बिजनेस रिलेटेड ऐप, बिजनेस रिलेटेड ऐप्स यूज्ड इन यूज्ड बाय नॉर्मल सिटीजन। ठीक है, किस तरह के जो ऐप्स हैं या जो बिजनेस है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो ई कॉमर्स से थे। ठीक है, ये मैंने आपको बताए आज। ठीक है, आई होप सो कि कुछ सीखने को मिला होगा। दूसरी चीज़ की एक एक्सपेक्टेशन है मेरी तरफ से, इनको 100% श्योर मान के मत चलना कि ये 100% यही आएंगे 100%। ठीक है, मेरी तरफ से सिर्फ आपको एक ओपिनियन है कि आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। जो टॉपिक या जो टर्म यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है उन टर्म्स को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल से इनको अच्छे से पढ़ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन, बाकी मिलेंगे आपसे एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।